चैनल वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर हमारी सुबह हो चुकी थी और जुम्मे की नमाज भी अदा कर ली है खदीना ने। सबसे पहले यहाँ पर खदीना की आप ही मौजूद है, खदीना उनके साथ खेल रही हैं और बस खदीना की तबीयत की वजह से हम लोग ने अपनी एनिवर्सरी को ख़ास तरीके से नहीं मनाई, लेकिन इंशाल्लाह जब भी जो भी सेलिब्रेशन करेंगे वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और मेरे ब्लॉग को कम्प्लीट वॉच करेगा। तो यहाँ पर हमारा खाना आ चुका है और आज खाने में है चिकन बिरयानी। बहुत दिल हो रहा था, इतने दिन से बिरयानी नहीं खाई थी, तो मैंने खदीना के जो भाई थे उनसे मैंने कहा कि मुझे बिरयानी ला दो ताकि मैं आज खाना खा लूँ बिरयानी। और यहाँ पर खदीना जो है वो क्या खा रही है, प्याज। खदीना को बहुत प्याज पसंद है, इसलिए वो बोटी नहीं खा रही है, वो प्याज खा रही हैं। प्याज पर फैरी मौजूद हैं और ये अपना लेसन जो है वो रीड कर रही हैं। इनका बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, अब देखते हैं इनके टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं। अभी ये बहुत अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई कर रही हैं, इनको शर्म भी बहुत आ रही है और यहाँ पर इनका काम जारी और सारी है। खा लें आप भी खाना, खा लें थोड़ा सा। हाँ जी, तो मैंने आज के ड्रेसेस निकाल लिए हैं और हम दोनों ब्लैक पहनने वाले हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। ये मेरा ड्रेस है, बाकी ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस है। और यहाँ पर खदीना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उठ रही हैं, ये सो रही थी और उठते ही इनकी थोड़ी थोड़ी सी शलालती शुरू हो गई है। है जानू, आप उठ गए? तो आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। हम नहीं गए थे कुछ दिन से क्योंकि खदीना की तबीयत सही नहीं थी। हमने यही कहा था कि जब तक इसकी तबीयत बेटर नहीं हो जाएगी हम लोग नहीं जाएंगे, और अभी खदीना सोकर उठ गई हैं और हमारी तैयारी जो है वो जारी सारी है। जैसे ही हम लोग रेडी हो जाएंगे आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी मैं, और हम लोग आज जो जो फ़न करेंगे वो भी आपको दिखाऊँगी। तो मैं रेडी हो गई थी और ये मेरा आज का फ़ाइनल लुक था और मुझे तो बहुत पसंद आया था आज का अपना लुक। और बस अब हम लोग कुछ देर में रवाना होने वाले थे, हो गए थे और बस हम लोग निकल रहे हैं। खदीना भी रेडी हो गई थी और बस वो कह रही थी कि मुझे ले, बस हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर खदीना बिल्कुल रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। और इंशाल्लाह हम जो आज करेंगे आप लोग को ज़रूर बताएँगे, दिखाएँगे कि हमने किस तरीके से अपना आज का सेलिब्रेट किया। और हम लोगों ने जो है वो रॉयल पिज़्ज़ा आज एनिवर्सरी बनाने का सीन किया था। और यहाँ पर जो है खदीना मेरे साथ है, खदीना के बाबू भी मौजूद हैं, हमने ऑर्डर दे दिया है और थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर आ जाएगा। जैसे जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे कंगन लेकर दिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और आज का लुक मेरा कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम दोनों ने ट्विन किया है, हम दोनों ने ब्लैक हेयर किया है और खदीना ने वाइट पहना हुआ है। और यहाँ पर केक जो है वो भी हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर केक काटने की तैयारी थी और हमने स्टाफ की एक लड़की से कह दिया था कि प्लीज़ आप हमारी वीडियो बना देगा, तो वो राज़ी हो गई थी। और इस वक्त बस हमें अपने केक का वेट था कि कब वो हमें डिश आउट करके केक लाकर देंगे ताकि हम उसको कट कर सकें। तो हमारा केक आ गया था जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। केक कटिंग हो रहा था और उन्होंने हमसे पूछा था कि आपकी एनिवर्सरी है या फिर बर्थडे है। और हमारा खाना भी आ गया था, खाने में हमने बर्गर्स ऑर्डर किए थे, उसके अलावा हमने चिकन पास्ता मंगवाया था और साथ में हमारे पास पिज़्ज़ा मौजूद था। तो खाना हमने खा लिया था और अब मैं कुछ ग्लव्स बना रही थी, ये फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद आए थे। इसके बाद हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए थे। तो गाइस हम लोग घर आ गए थे और खदीना जो है वो इस वक्त कबाड़ों में लगी हुई है और हम लोग ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया अपने आज के डे को और छोटी मोटी सेलिब्रेशन की, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो थी वो तीनों, हम तीनों इंक्लूड थे। यहाँ आप देख सकें खदीना ने आते ही अपने कबाड़े करना शुरू कर दिए हैं, तो अब बस इनको सुलाने की तैयारी करनी है। और यहाँ पर पिज़्ज़ा मौजूद है जो कि ये अपनी दादी के लिए लेकर आई थी। खजीना बैठी हुई है यहाँ पर।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे आज के ब्लॉग को पसंद करेंगे और मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे और मेरी बेटी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मज़े मज़े के इंशाल्लाह आगे ब्लॉग्स आते रहेंगे। और आज हम लोग ने अपनी एनिवर्सरी बहुत बहुत अच्छे तरीके से मनाई है और हम लोग ने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारा जो पूरा दिन था वो बहुत अच्छा गुजरा, इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद, इतनी ज़्यादा हार्ड टाइम्स के बाद हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी डॉटर ने, हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और अब बस चाय की क्रेविंग हो रही है तो हो सकता है कि थोड़ी सी चाय बना के पी लूँ। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे ब्लॉग को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह इंशाल्लाह अगले दिन एक नए ब्लॉग के साथ मैं आप लोग के साथ मौजूद होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी बेटी को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शब खैर, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ।